आईपीएल के सीजन 13 में दो हार के बाद सीएसके की टीम निशाने पर है। सीजन की शुरुआत से ही सीएसके की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। सीएसके के सबसे कामयाब बल्लेबाज सुरेश रैना और अनुभवी गेंदबाज हरभजन सिंह आईपीएल 13 में हिस्सा नहीं ले रहे। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने टीम को सुरेश रैना की कमी खलने की बात स्वीकार की है। दिल्ली कैपिटल्स से हार के बाद फ्लेमिंग ने टीम के बैलेंस को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि समय हमारा बैलेंस सही नहीं, हम कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की कमी महसूस कर रहे हैं और हम ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम दूसरी टीमों को चुनौती दे सकें। हम यहाँ पिचों के मुताबिक खिलाड़ी लेना चाह रहे हैं। फ्लेमिंग का कहना है कि उनकी टीम बैलेंस खोजने की कोशिश कर रही है। सीएसके कोच ने कहा कि यहाँ हर विकेट दूसरे से काफ़ी अलग है और हमें बल्लेबाजी में अंबती रायडू रैना और कुछ खिलाड़ी नहीं है। हम खिलाड़ियों का उपयोग करने को लेकर एक तरीका या एक बैलेंस खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 3 दिनों में काफ़ी कुछ सीखा है। बता दें कि सीएसके को 2 अक्टूबर को खेले जाने वाले मैच से पहले बड़ी राहत मिली है। सीएसके ने इस बात की पुष्टि की है कि पहले मैच में जीत के हीरो अंबती रायडू चोट से पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं। रैना अगले मैच में खेलने के लिए उपलब्ध होंगे। सीएसके के फैंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के बाद सुरेश रैना की वापसी की मांग की, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि आईपीएल 13 में सुरेश रैना की वापसी मुश्किल है। सीएसके ने अब तक सुरेश रैना और हरभजन की रिप्लेसमेंट की मांग नहीं की, लेकिन हो सकता है कि मिड ऑफ द आईपीएल हम देखेंगे कि यहां पर सुरेश रैना वापस आ सकते हैं। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।